अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है, तो इससे पहले हम जो यूनिट 3 है फ्रिक्शंस, केपीके और पंजाब जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, और क्वेश्चन 1 में हम इसको फिगर से ड्रा करके इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 को आज स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यानी 4/5 ज़रबे 1/4, इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन 2, इसके सारे पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो पहला इसका पार्ट है, ए पार्ट, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो सॉल्यूशन इसका होगा, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये हमारे पास इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पर इसके दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्रॉस में कट सकते हैं 4/4 के साथ, तो आप काट सकते हैं, या ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी काट सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस में कट सकते हैं तो ये आसान तरीका है, 4/1 = 4, तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आपके पास 5 रह जाएगा। तो यही इसका जो है हमारे पास आंसर है। अगला जो है बी पार्ट, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पार्ट बी जो है हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई बाई 14/18, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको दोबारा आप लिख लें एक बार, 14/18, 14/18। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, 3 के टेबल में आता है, तो 3/1 = 3 और 3/6 = 18, 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 × 3 = 18, 3/6 = 18, 7/1 = 7, 7/2 = 14, यानी 7 × 7, 7 × 2 = 14। ऊपर हमारे पास रह गया 1 × 2, और यहाँ पर आपके पास 1 × 6, इसको आप लिखना चाहें तो 2/6 लिख सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आप काटें तो भी आपके पास इसको आप काट सकते हैं, यानी 2/1 = 2, 2/1 = 2, 2/3 = 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, इसका आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, और यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास, अगला जो सी पार्ट है, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 75/20, इसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 5/3 = 75/25, इसको भी आप क्रॉस में कट सकते हैं, 5/1 = 5, 5/4 = अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5/4 = 20 होता है, 5 × 5, 5 × 20, 3 × 3, 3 × 6, 1 इधर आ जाएगा, 15, 5 × 3 = 15, यानी 25 × 3 = 75, 3/1 = 3, 3 को अगर आप 25 के साथ करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/4। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन का जो हमारे पास होता है तरीक़ाकार, तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लें, 4/6 = 24, 6 × 24, और 1 आपके पास आ जाएगा। अब इसको लिखने का जो तरीका है, ये जो यहाँ पर है डिवाइड में था 4, उसको उसी तरह आप लिख लेंगे, और 4/6 = 24, और 1 को आप ऐड करेंगे, यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा उसको ऊपर आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आपके पास 6/1/4 आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगला पार्ट है हमारे पास डी पार्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें।
तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, तो डी पार्ट है हमारे पास 58 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 20। इसको इधर एक बार आप दोबारा से लिखें, 58/60 ज़रब 4/20 ज़रब 10/20। अब इसको हम देखेंगे, अगर क्रॉस में इसके साथ कट सकते हैं, ये इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, तो 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 1s 4, 4 5s 20, 10 1s 10, 10 2s 20। ये तो हमारे पास आसानी से हो गया है। और ये 2, इसको अगर क्रॉस में आप काटना चाहें तो काट सकते, 2 1s are 2, 2 2s 4, 9 2s 18, 29 2s 58, यानी 229s are 58। अब जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी 29 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 1 है, नीचे भी 1 है, तो इसको अगले को 1 और नीचे है 5, इसको हम लिख लेते हैं। तो 29 को तो उसी तरह लिख लेते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0s are 0, 5 6s are 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी 29/300, 29 डिवाइडेड बाई 300, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास ई पार्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ई पार्ट, 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3/7, यानी 2/7 ज़रब 4/5 ज़रब 3/7। इसको अगर आप काटना चाहें तो आप क्रॉस में देख लें, कट सकता है, इसको इसके साथ नहीं काट सकते, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ नहीं काट सकते, तो ऊपर वालों को ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें। एक लाइन हम लगा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 4 2s 8, 8 8s 24, यानी 2 4s are 8, 8 3s are 24 डिवाइडेड बाई 7 5s 35, 35 ज़रब 7। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना चाहें तो 24 डिवाइडेड बाई 7 5s 35 = 3, 7 21 21 और 3 24, ये हमारे पास हो जाएगा 24/24 / 245। तो अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन है, यानी 24/245। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आप जो अगला एफ पार्ट देख रहे हैं, 30/28 / 2/8 / 6/9, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, तो इसको इसके साथ आप काट सकते हैं, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो चलो मैं इसको, इन दोनों को काट लेता हूँ, 2 1s are 2, 2 1s 2, 4 2s 8, 14 2s 28, इसको काट लेते हैं 2 के साथ, 2 4s are 8 और 2 15s are 30, यानी 15 2s 30। अब अगर मज़ीद आप इसको काटना चाहें तो इन दोनों को भी काट सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are, तो अब जो रिमेनिंग है इसको आप इस तरीके से लिख लें, 15 जो ऊपर है ऊपर वालों को ऊपर, नीचे वालों को नीचे, तो ये हमारे पास ये रह जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वालों को न्यूमिरेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ आप काट सकते हैं, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, और इस 3 को इसके साथ काट लें तो 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो ऊपर सिर्फ 5 रह गया, 5/ ये 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास रह गया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 14 2s 28।
यानी 5/28 आपके पास इसका ये सोल्यूशन है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास 1 होल 3/5 × 2/3/7 × 3/4 है। तो सोल्यूशन इसका भी स्टार्ट करते हैं। ये होल नंबर जो है इसको आप इसमें चेंज करें, 5 × 5 5 × 3 8 8/5 × 7 2 2 = 14 × 3 = 17 हो जाएगा हमारे पास। 7/4 3 = 12 और 12 और 3 आपके पास हो जाएगा 15/4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको आप करना चाहें काटना चाहें तो काट भी सकते हैं इसको, ये दोनों तो नहीं काट सकते, इसको इसके साथ नहीं काट सकते, इसको इसके साथ काट सकते हैं। 4 1 = 4 4 2 = 8 5 1 = 5 5 3 = 15 यानी 5 × 3 = 15। तो ऊपर हमारे पास अब रह गया है 2 × 17 × 3/7, ये तो वैसे भी 1 है इधर भी 1 है, ये हमारे पास ये अब रह जाएगा। अगर इसको आप करना चाहें मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 × 34 34 × 3 = 102 हो जाएगा ÷7। तो ये आपके पास नेक्स्ट आप करना चाहें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 102 × 7 = 1498। तो ये आपके पास यहाँ से एक इधर 12 हो जाए, ये लेगा और ये इससे, तो ये 12 12 में से 8 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 4, यानी 14 होल। ये 7 तो उसी तरह नीचे ही रहेगा, ये 14 होल 4/7 ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और यही हमारे पास इसका आंसर है। आगे जो दो क्वेश्चंस हैं, जो दो क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा गया है, यानी 5 होल 10/35 × 8 होल 2/5 × 9 होल 3/11। तो ये होल पार्ट को हम ख़त्म करेंगे यहाँ पर होल को। तो 35 5 5 25 = 5 3 15 और 2 17 175 में से 10 जमा करें तो ये 185 हो जाएगा आपके पास, 185। जब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला प्लस करेंगे, तो 185/35 × 8 = 40 40² = 42 × 5 × 11 = 99 99 × 3 = 102 × 11। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया क्वेश्चन। अब इसको आप क्रॉस में काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप काटना चाहें तो इन दोनों को और इसको काट सकते हैं, तो बाकी तो नहीं काटते। 5 और इसको इसके वंस का हिंसा जो है वो भी 5 है, तो 5 1 = 5 5 3 = 15 3 इधर आ जाएगा 5 7 = 35, यानी 5 37 = 185 होते हैं। अब ऊपर वालों को हम ऊपर और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास 37 × 42 × 102 / 35। इन सब को आप कैलकुलेटर से या हाथ से जिस तरह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास, मैं कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा, हमारे पास ये 11 यहाँ पर रह गया, 1 तो उसी तरह 11 को भी आप लिख लें, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इसको आप कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा 1,00,000, यानी 58,000 समथिंग आएगा, 1,58,508 आ जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आपके पास आ जाएगा ये नंबर।
अब अगर आप सेवन के साथ इसको कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से सेवन के साथ सात दूनी चौदह असल एक इधर आ जाएगा, दो सती चौदह चार आ जाएगा, छः सती बयालीस तीन, तो चार सती अट्ठाईस, दो इधर चार सती अट्ठाईस, यानी सेवन के साथ इसको आप काट सकते हैं। इसको सेवन के साथ काटें तो सेवन फाइव, सेवन फाइव ज़ार थर्टी फाइव, थ्री इधर आ जाएगा, फाइव सेवन ज़ार या सेवन फाइव ज़ार, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप इसको डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से, तो आपके पास इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस तरह इसको डिवीजन में लिख लें तो ये नंबर तो दो इसके साथ छोटे हैं इससे, पचपन से फिफ्टी फाइव से, तो ये नंबर भी आप मिला लें, दो सौ छब्बीस हो जाएगा। तो पचास चौक दो सौ होता है तकरीबन, चार के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें कि देख लें तो क्या आता है आपके पास। तो चार पंजे बीस, बीस असल दो, चार पंजे बीस, बीस और दो बाईस, तो ये हमारे पास दो सौ बीस बिल्कुल सेट आ गया, सिक्स आ गया। तो अगला नंबर आप नीचे ले आएँ तो फोर, पचपन एकन पचपन, एक यहाँ से एक बारह ले लें, फोर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन में से फाइव गया तो नौ। तो अब इसको आप ले आए अगले फोर को नीचे, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अगर दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही आप इसको पचपन एकन पचपन लिख सकते हैं उसी तरह। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से फोर्टीन में से फाइव तो हो जाएगा नाइन, यहाँ से एट से अगर आप फाइव निकालेंगे तो थ्री, ये आपके पास थर्टी नाइन, यानी इस तरीके से रह जाएगा। उसी तरह फिफ्टी फाइव तो आपके पास आ जाएगा नीचे, इसी को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो फोर हंड्रेड एलेवन, और जो रिमेनिंग है वो आपके पास है थर्टी नाइन। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर हमारे पास, और यही इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है। अगला जो है ना पार्ट वो भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएं। तो ये था हमारे पास जो अगला क्वेश्चन, यानी नाइन होल वन ओवर नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन होल वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव होल वन ओवर टू, इसको नम नम इक्यासी इक्यासी और एक बयासी, एटी टू डिवाइडेड बाई नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन, थ्री टेन ज़ार थर्टी और वन थर्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव टू ज़ार टेन और वन एलेवन डिवाइडेड बाई टू। इसको अगर आप काटना चाहें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, ये भी इसका तरीकाकार है। तो ये बाकी नंबर तो आपके पास नहीं कट रहे हैं, टू को काट लें, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट और टू वन ज़ार टू, इस तरीके से आप इसको काट लें तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, फोर्टी वन डिवाइडेड बाई नाइन, ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, ये आपके पास आएगा। तो कैलकुलेटर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये अगर आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन तेरह हज़ार नौ सौ इक्यासी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई नौती है सत्ताईस ट्वेंटी सेवन। अब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, तेरह हज़ार नौ सौ इक्यासी तकसीमी सत्ताईस ट्वेंटी सेवन। तो इस तरह आप इसको, ये नंबर तो थर्टीन से छोटा है तो ये भी इसके साथ मिलाएं। अगर आप इसको देखते हैं फोर के साथ करें या फाइव के साथ, अगर फाइव के साथ करें तो पाँच सती पैंतीस असल तीन, पाँच दुनी दस, दस और तीन तेरह, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ जाएगा नाइन में से फाइव जाएगा तो फोर। अगला नंबर आप नीचे ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्टी एट, सत्ताईस सिकन सत्ताईस आप कर लें तो एक, और ये हो जाएगा टू। अब अगला नंबर आप नीचे ले आए तो अगला नंबर है आपके पास वन है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें सिक्स के साथ कर लें, सेवन के साथ कर लें, सेवन के साथ देख लें क्या आता है आपके पास। सात सती उनचास, उनचास असिल चार, सात दोनी चौदह, चौदह और चार अठारह, तकरीबन फिर उससे आगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एलेवन, एलेवन में से नाइन जाएगा तो टू, और टेन में से
एट जाएगा तो वो भी आपके पास टू, तो 22 आपके पास रह जाएगा। इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास नीचे ही तो 27 ही रहेगा। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया था 517 डिवाइड आपके पास ये रह जाएगा 22, यानी 517 सही, 22/27 इसका हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह इसके ऑल पार्ट्स हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद जो डिवाइड के जो क्वेश्चंस हैं उसको इंशाल्लाह हम एक आसान मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।